वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में हमें कई महान योद्धाओं का वर्णन मिलता है। रामायण केवल दो लोगों के मध्य युद्ध मात्र नहीं है, इसमें असुर, मानव, वानर और कई देवों के अवतार भी सम्मिलित थे। इनमें से कितनों को तो कई सारे वरदान प्राप्त थे और कईयों ने तो अपने श्राप को ही वरदान की तरह इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामायण के वो सात महान योद्धाओं के बारे में बताऊंगा जिनके बिना रामायण कभी पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस रोचक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्थान पर है मारीच, द डीमन इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन डीर। दोस्तों, मारीच एक मायावी राक्षस होने के साथ साथ वह किसी की भी आवाज का नकल करने में महारत हासिल कर चुका था। मारीच ने रामायण में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कि अगर मारीच ही नहीं होता तो रामायण में सीता का हरण ही नहीं हुआ होता और ना ही राम और रावण के मध्य युद्ध हुआ होता। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब महर्षि विश्वामित्र जी कराने के दौरान मारीच अपने छोटे भाई सुबाहु के साथ मिलकर उस हो रहे यज्ञ को भंग कर देने के उद्देश्य से वहां पहुंचा। ऐसा कुछ होता देख विश्वामित्र जी ने पहले से ही राम और लक्ष्मण को अपनी सुरक्षा के लिए बुला लाए थे। श्री राम की बाणों के प्रहार से सुबाहु की मृत्यु वहीं पर हो जाती है, लेकिन उस समय मारीच किसी तरह अपने प्राणों को बचाने में कामयाब रहा। और फिर कुछ वर्ष बीतने के बाद जब रावण सीता का अपहरण करने के लिए मारीच से मदद मांगा, तब मारीच रावण का मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद रावण उसका अंत कर देने का धमकी दे देता है। अब यहाँ मारीच के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और दोस्तों, मारीच ये अच्छे से जान चुका था कि श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है, वे जरूर किसी का अवतार है। और इसीलिए वह सोचता है कि रावण के हाथों मरने से अच्छा अगर मैं श्री राम के हाथों मरूंगा तो शायद मुझे मोक्ष मिल जाए। इसीलिए अपनी माया से खुद को सोने का हिरण का रूप बनाकर जंगल में वास कर रहे राम, सीता और लक्ष्मण को दिखाई देता है। और फिर इसके बाद सीता के कहने पर राम जी उस सोने के हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और जब उस पर तीर चलाते हैं तब वह तीर लग जाने के कारण मारीच अपने असली रूप में आकर राम की तरह आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारते हुए अपने प्राण त्याग देता है। और दोस्तों, मारीच के अंत के बाद से ही रामायण में टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था। तो अगले स्थान पर हैं जटायु और संपाति, द किंग ऑफ वल्चर्स। दोस्तों, जटायु और संपाति दोनों भाइयों ने रामायण में एक महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं। जब रावण सीता का हरण कर अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था तब उस समय जटायु बड़ी वीरता के साथ रावण का सामना किया था, लेकिन रावण जटायु के दोनों पंखों को काट देने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, एक तरफ जटायु ने सीता का हरण कर ले जा रहा रावण से बड़ी वीरता के साथ युद्ध कर अपने प्राण त्यागे थे, तो दूसरी ओर उसके बड़े भाई संपाति ने पंख ना होने के बावजूद रावण की लंका का रास्ता बताया था। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक समय पर जटायु और महाराज दशरथ मित्र हुआ करते थे। ये बात जटायु ने अपने प्राण त्यागने के कुछ क्षण पहले ही श्री राम को बताया था। और जटायु ही रामायण में वो पहला किरदार था जिसने पहली बार श्री राम को रावण जैसे राक्षस के बारे में बताया था। और जिस जगह पर जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे आज उसी जगह पर जटायु की विशाल प्रतिमा बनाई गई है। और दोस्तों, ये जगह केरल के चंदया मंगलम नामक जगह पर मौजूद है। तो अगले स्थान पर है जामवंत, द किंग ऑफ बियर्स। दोस्तों, उस समय हर प्रजाति का एक राजा हुआ करता था, जैसे की सर्पों का राजा नागराज, बैल का राजा नंदी, पक्षियों का राजा गरुड़, इसी तरह भालू के प्रजाति का राजा जामवंत जी थे। दोस्तों, जामवंत जी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने समुद्र मंथन से लेकर द्वापर युग तक दिखे थे। और दोस्तों, जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों के बारे में याद दिलाया था। और जामवंत जी इतने शक्तिशाली थे कि वे चाहते तो रावण का भी अंत कर सकते थे। वैसे तो जामवंत जी श्री राम से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन श्री राम ने उनकी यह इच्छा द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार के समय पूर्ण करने का वचन दिया था। और फिर द्वापर युग में जामवंत जी की वह इच्छा पूरी होने के बाद वे अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से करवा देते हैं। और दोस्तों, वृक्षराज जामवंत जी भी एक चिरंजीवी पुरुष हैं। तो अगले स्थान पर हैं नल और नील, द इंजीनियर्स हु कंस्ट्रक्टेड राम सेतु। दोस्तों,
नल और नील ने ही रामायण में राम सेतु पुल का निर्माण किया था और केवल 5 दिनों में ही 35 किलोमीटर का पुल बनाने का क्रेडिट ये नल और नील को ही जाता है। इतने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले इन दोनों भाइयों के पात्र को टीवी पर प्रसारित रामायण में बहुत कम बताया गया है। नल जो कि विश्वकर्मा के पुत्र थे और नील अग्निदेव के पुत्र थे। इन दोनों भाइयों से जुड़ी एक प्रचलित कथा भी है। दोस्तों, बचपन में नल और नील बड़े शरारती और चंचल प्रकार के बालक थे। ये दोनों बालक यज्ञ कर रहे ऋषि मुनियों के कपड़े और सामानों को नदी में फेंक दिया करते थे और उनकी इसी उद्दंडता से तंग आकर ऋषियों ने इन दोनों बालकों को श्राप दिया था कि इनके हाथों से पानी में फेंकी गई किसी भी प्रकार की वस्तु डूबेगी नहीं। और इनकी यही श्राप राम सेतु पुल बनाने में वरदान साबित हुआ। और जब श्री राम की वानर सेना लंका पहुंच गई, तब नील ने उत्तरी छोर से रावण की सेना पर कहर बनकर टूटा था और कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ का वध कर दिया और रावण का सेनापति प्रहस्त का भी वध कर दिया था। युद्ध में उतरा रावण भी नील के पराक्रम को देख अग्नि अस्त्र चलाया था, लेकिन इस अस्त्र का नील पर कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि वह अग्निदेव का पुत्र था। जो भी हो, लेकिन रामायण में नील के पावरफुल पात्र को भुलाया नहीं जा सकता। तो अगले स्थान पर है मंदोदरी, वाइफ ऑफ रावण एंड द क्वीन ऑफ लंका। दोस्तों, रामायण में रावण का अंत होने के बाद अगर मंदोदरी ने भी पति और पुत्र के मुंह में आकर श्री राम को श्राप दे देती तो शायद आज राम राज का उदाहरण देने वाला कोई ना होता। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार द्वापर युग में महाभारत खत्म हो जाने के बाद गांधारी सही गलत का चयन ना करके पुत्र मोह में आकर श्री कृष्ण के यदुकुल का नाश होने का श्राप दे दिया था, लेकिन वही त्रेता युग में मंदोदरी ने ऐसा नहीं किया था। वे सही गलत और पाप पुण्य को अच्छे से समझती थी। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी और भगवान शिव की आराधना करती थी। सीता हरण के बाद उसने अपने पति रावण को नीति विरुद्ध कार्यों को करने से रोका भी था और सीता को भगवान श्री राम के पास सम्मान पूर्वक लौटाने का सुझाव भी दिया था, लेकिन हठी रावण कभी नहीं माना। भले ही उनके पति और पुत्र युद्ध में मारे गए थे, लेकिन मंदोदरी ये अच्छे से जान चुकी थी कि पुरुषोत्तम श्री राम ही विष्णु के अवतार हैं। और दोस्तों, मंदोदरी ही वो स्त्री हैं जिनका नाम उन पंच पवित्र स्त्रियों में लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे रामायण के वो 7 महान योद्धा जिनकी सोच, धैर्य और वीरता को भुलाया नहीं जा सकता। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य डिस्कवरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय हिंद।